दैनिक भास्कर ने 19 मई को खबर पब्लिश की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भिलवाड़ा के सांगानेर इलाके में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए। आर्टिकल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की रैली का वीडियो भी शेयर किया गया है। भीलवाड़ा शहर में पाकिस्तान के नारे लगाता यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पिछले दिनों सांगानेर में तनाव होने के बाद यह वीडियो पूरे शहर में फैला हुआ है, जिससे लोगों में आक्रोश है। बताया जा रहा है यह वीडियो सांगानेर इलाके का है। इस वीडियो के सामने आने के बाद शहर के एक नागरिक ने सुभाष नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। भाजपा नेता सागर पांडे ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि 3 मई को ईद के दिन पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए थे। हालांकि ट्वीट किए गए इस वीडियो में आवाज धीमी होने के कारण नारे साफ नहीं सुनाई देते हैं। इसके अलावा एबीपी लाइव, आपका राजस्थान और भीलवाड़ा हलचल ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ पब्लिश किया। 12 मई को भीलवाड़ा के बीजेपी विधायक विठल शंकर अवस्थी ने भाषण के दौरान वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अरे तुमको पसंद आए तो हम देश के सरदारों को बदरोज कर सांगानेर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जहाँ तुम्हारी सीआई पुलिस पर कार्रवाइयां कही है, जहाँ तुम्हारा पुलिस का जवाब खड़ा है, उनके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। अशोक गहलोत, तुझे और तेरे प्रशासन को चुप मरने की बात है। तो क्या वाकई में भीलवाड़ा में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए थे? दैनिक भास्कर के आर्टिकल में शेयर किए गए वीडियो में साफ तौर पर सुनाई देता है कि लोग पाकिस्तान के समर्थन में नहीं बल्कि SDPI जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। राजस्थान के वकील इमरान रंगरेज ने ट्वीट में बताया कि यह वीडियो 17 महीने पुराना है। हालांकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में भी इस वीडियो के पुराने होने की बात बताई गई है, लेकिन इसके अलावा और कुछ जानकारी नहीं दी गई है। वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए इमरान रंगरेज ने ऑल्ट न्यूज की बात SDPI के सदस्य अब्दुल सलाम अंसारी से करवाई, जिन्होंने ये रैली आयोजित की थी। उन्होंने इस वीडियो के बारे में ये कहा। मैं अब्दुल सलाम अंसारी, अंजुमन सदर सांगानेर भीलवाड़ा। हाल ही में एक FIR दर्ज हुई कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सांगानेर में लगे। यह FIR सुभाष नगर थाना भीलवाड़ा में दर्ज हुई एक वायरल वीडियो को लेकर, जिसमें दावा किया गया कि इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। यह वीडियो देखने से मालूम होता है कि यह निकाय चुनाव 2021 का है, जब एक पार्षद का विजय जुलूस निकाला जा रहा था। और इस वीडियो को भी गौर से देखने से हमें साफ लग रहा है कि इसमें SDPI जिंदाबाद, नाथूलाल जो पार्षद था उसके जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इसमें किसी तरह का कोई भी देश विरोधी नारे नहीं थे, लेकिन इसके साथ साथ छेड़छाड़ करके प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की गई। यह विजय जुलूस जहां का वायरल वीडियो बताया जा रहा है वो टेम्पो स्टैंड का है, और यह जुलूस जो टेम्पो स्टैंड से होता हुआ रावला चौक, मदनी चौक, मोमिन मोहल्ला होता हुआ बिलो के चौक में ख़त्म हुआ। इस वायरल वीडियो में मैं स्वयं मौजूद था, मगर उसमें भी दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं आगे की साइड में था। और इस वायरल वीडियो को लेकर अभी 16 मई 2022 को एक FIR दर्ज हुई। पुलिस ने अभी तक किसी को नोटिस, न तो नोटिस जारी किए और न अभी तक किसी की गिरफ्तारी की गई। काउंसलर नाथूराम राव ने हमें बताया कि बड़े अंतर से जीत हासिल करने पर विजय जुलूस निकाला गया था, लेकिन इस दौरान कोई देश विरोधी नारे नहीं लगाए गए थे। भीलवाड़ा के डिप्टी SP रामचंद्र चौधरी ने ऑल्ट न्यूज से कहा कि फॉरेंसिक टीम वीडियो की जांच कर रही है और इसमें 2 महीने तक का समय लग सकता है। कुल मिलाकर ये वीडियो पब्लिश करते हुए मीडिया संगठनों ने झूठा दावा किया कि SDPI की रैली में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए, जबकि वीडियो में SDPI जिंदाबाद के नारे साफ सुनाई देते हैं।